हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। जैसे कि देखिए, हम राजस्थान पहुँच चुके हैं। यहाँ पे द्वा क्या बोलते हैं नाथ द्वारा में आ चुके हैं। नाथ द्वारा में भी दर्शन की फोटोज़ आपको शाम को मिल जाएंगी। और ये जो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, किसी एक बंदे ने तो ये कमेंट किया था कि कौन से फ्लेवर के सिगरेट जलाऊं या खुद सोने का, किसी के साथ सोने का कितना पैसा लेती है। तो पहली बात तो ये बोलूँगी मैं कि आप लोग लगता है अपनी माँ बहन के साथ भी, माँ बहन को भी छोड़ते नहीं हो, माँ बहन के साथ भी सोते हो। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मेरे तक आने के लिए ना गांड में दम चाहिए। इधर तक आने के लिए गांड फट जाएगी तुम सबकी। ऐसी सब लोग की माँ चोदूंगी ना कि जिंदगी भर भूल जाएंगे कि किसी के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है। ये सब फालतूगिरी बातें नहीं करने का। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे से पूजा कराने आओ, अपनी माँ चुदाने आओ। जिसको मन करता है वो खुद आते हैं पूजा कराने, जिनको विश्वास है वो करते हैं। जैसे कि हमारे में दिल्ली से यहाँ वहाँ से 2-3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सिद्धियों का मजाक उड़ाया है, सिद्धियाँ ली हैं। सिद्धियों के लिए पेशेंस नहीं, एक एक दिन गिनते हैं, मैडम 10 दिन हो गए, मैडम 15 दिन हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता है। सिद्धियाँ आपके पास गई, आप उसको जिस तरह से हम बताते हैं फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो आपको आसमान से पैसे गिरा के नहीं देने वाली हैं। वो सिद्धियाँ हैं, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। उनको जब आप उनसे आपकी जान पहचान होगी तब वो आपसे काम करेंगी। और दूसरी बात रही, मैं यहाँ पे आई ही हूँ इसलिए कि लोगों की बैंड बजाने ही आई हूँ। सिद्धियाँ तो लेने आई हूँ, लेकिन जब हम अपने गढ़ पे आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लोगों की बैंड बजाते हैं पूरे विश्व में। राजस्थान मेवाड़ पूरे विश्व में फेमस है ये जगह कि यहाँ पे अच्छे अच्छों की बैंड बजी है। तो मैं वही करने आई हूँ जो सिद्धियों के साथ मजाक करते हैं। जब पैसे ही रिटर्न लेने रहते हैं सब कुछ, तो क्यों करते हैं अपना यहाँ पे पूजा? ये जो सब बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि हमने माता जी सिद्ध की है, हमारी है, तुम्हारे पास सिद्धि है, तो क्या मेरे पास सिद्धि नहीं है? मैं माता जी से दिल से प्यार करती हूँ। बचपन से आज तक मैंने काली माता से प्यार किया है, विंध्यवासिनी से प्यार किया, इसके लिए वो मेरे पास सिद्ध हैं। न कि मैं आप लोगों को जैसा सिर्फ कामापूर्ति मामा के जैसा उनका मंत्र करके उनको सिद्ध किया है, नहीं। हमारे पास हैं वो शक्तियाँ। मेरी माँ उतनी सक्षम है। मैं इतना जो बात करती हूँ ना अपनी माँ के बल पर करती हूँ। और अब मैं खुद बोलती हूँ, पूरे YouTube पे खुला चैलेंज करती हूँ कि है हिम्मत, कमेंट करके देखो। बड़े से बड़ा पंडित क्यों ना हो, अगर उसी वक्त उसकी सारी शक्तियाँ छीन ना हो गई तो मेरा नाम बदल देना। ये विद्या देवी खुला चैलेंज कर रही है आप लोगों को कि जो पंडित लोग, खास करके पंडितों को ही बहुत उंगली हो गई है, इन लोगों को ही बहुत ज़्यादा कीड़े काट रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम इसको हटाए, एक औरत को हराने के लिए अपनी औकात भूल जा रहे हैं, अपनी पंडिता ही भूल जा रहे हैं। तुम लोगों ने उल्टा माँ को अपनी नौकरानी बना के रखा है। मैंने नहीं, मैं माँ की सिद्धि की हूँ क्योंकि मैं माँ को दिल से प्यार करती हूँ, विंध्यवासिनी से दिल से प्यार किया है, इसके लिए वो मेरी बात सुनती है और लोगों का काम करती है। हाँ, जिसका गलत काम रहेगा, कोई गलत काम दिया रहेगा तो वो नहीं करेंगी। मैं भी लाख कोशिश करूँ, काम नहीं होगा। दूसरी बात, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या करोगे मेरे लिए, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। चलो खुला चैलेंज करती हूँ, मेरी शक्तियाँ मुझसे लेके दिखा दो। शमशान जाओगे ना, शमशान में भी मैं हूँ। अघोर का पूरा कहते ना हिस्ट्री पार कर लिया है मैंने। जिस स्कूल में आप सब लोग पढ़ रहे हो ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ मैं। तो मेरे से पंगा लेने की सोचना नहीं। और आज मैं खुला चैलेंज करती हूँ, जो मेरे बारे में गलत भी सोचते हैं, जो पंडित लोग जो बोलते हैं ना, मैं खुला चैलेंज करती हूँ। बस एक बार गलत बोल के देखो, अगर उनकी सारी शक्तियाँ उसी वक्त छीन ना हो गई, उसके बाद वो किसी का भी देख रेख करेंगे उनका काम नहीं होगा। क्योंकि मैं माँ विंध्यवासिनी, माँ बगला मुखी के नाम से बोलती हूँ। पान पान सुपारी पान चूना खैर पान, हम बुलाए तो उठे, सूतल रहे तो उठा लाए, बैठल रहे तो जगा लाए, हम बुलाए तो बोले अब मेरा उस्ताद छुड़ाए तब छूटे, हम छुड़ाए तब छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। बस ये मंत्र ही काफ़ी है। जो भी इस तरह से कोशिश करना चाहता है, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। अगर मेरा कुछ उखाड़ पाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, पंडिता ही छोड़ दूंगी, कसम से बोल रही हूँ। लेकिन जितने लोग जो मेरे पीछे पड़े, अगर उनकी पंडिता ही ना छुड़ा दी तो मेरा नाम बदल देना कि विद्या देवी क्या बोल रही है। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, एक औरत के पीछे पड़ते हो, कमेंट क्या करते हो? नंबर दिया है, सामने से बात करो ना, तब तुमको बताती हूँ। मैं तो सीधा बोलती हूँ, आओ बोरीवली इधर, एक एक को मार मार के नहीं गिराया ना तो मेरा नाम नहीं विद्या देवी। ऐसे ही नहीं बैठी हूँ मैं दूसरों के जैसा ढोंगी पंडित नहीं हूँ कि सुन के लूँगी। मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। दम है पैसा पूजा कराने का तो पैसा लगता है, औकात नहीं है तो बात नहीं करने का। ये वही लोग बोलते हैं जिनके अंदर औकात नहीं पैसा खर्चा करने की, फ्री में काम चाहिए, इसके लिए जब हम काम नहीं करते तो इस तरह से गलत बात करते हैं। तो आइंदा सोच समझ के बात करना कि किससे बात कर रहे हो, विद्या देवी से बात कर रहे हो। और अभी बोल ही दिया है ना कि जिसको हिम्मत है एक बार कमेंट करके देखो और दोबारा काम